देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें विस्तार रूप से। सात नवंबर को न्यूज मोमेंट टीम की ओर से आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन के नव नियुक्त ऑफिसर इंचार्ज श्री मनोरंजन मंडल को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। न्यूज मोमेंट टीम से सीनियर रिपोर्टर जनाब अब्दुल मुनाफ, सीनियर फोटोग्राफर श्री सीताराम, डेप्यूटी एडिटर मिस सुनीता महतो, एडिटर श्री मेघदूत प्रसाद उपस्थित रहे। टीम के अनुसार श्री मंडल एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं। वह क्षेत्र की सामाजिक स्थिति का भी ज्ञान रखते हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ न्यूज मोमेंट हिंदी पर। आसनसोल में एकमात्र दुकान जो अपने अलग तरीके के लिए प्रसिद्ध है। 100 साल पुरानी है ये दुकान। इनके पास कुछ बहुत से यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। इनके पास खाकरों की काफ़ी वैरायटीज हैं जितने कि आसनसोल में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना टेस्टी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इसका पता है समिरन राय रोड ऑपोजिट इन SBI बैंक आसनसोल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 03412305017 या 9547356154। बारावली ब्लॉक के जामग्राम पंचायत के शिव मंदिर मैदान में तृणमूल की ओर से शनिवार को एक प्रकाशीय समावेश किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होने की बात कही गई। प्रधान वक्ता के रूप में उपस्थित रहे बाराबणी के विधायक विधान उपाध्याय। इसके अलावा उपस्थित रहे बाराबणी ब्लॉक प्रेसिडेंट असित सिंह, बाराबणी पंचायत समिति के सभापति माला बाउरी, सह सभापति सुकुमार साधु, पश्चिम बर्धमान वन भूमि कर्माध्यक्ष पूजा मार्डे इत्यादि। कोविड आक्रांत हो 23 तारीख थी आम हॉस्पिटल प्राय 17 दिन मत हॉस्पिटल तपर बाड़ी एस प्रथम मान एखे शर खराब थकले मैं शुदुम्र बाराबणी समस्त मानुष मैं सबा के कर्मी नेतृत्व एवं साधारण मानुष के एत दिन देखते पाई तीन आज भड़बड़िए चले खूब मान निजे निरापत्ता दिए देखे चारिधारे खाली मिथ्यावादी मिथ्या अपप्रचार फेसबुक टुईटार एखंड पूजा करलो सरकार क्योंकि व्यापक उन्नयन कर जन्म थेके मृत्यु पर्यन्त कि उन्नयन करेनि ता सत्त्वे देखें फेसबुक और टुईटारे भूले आमरा प्राय 350 ভোট আমার ব্লক মাইনাস হয়েছিলাম। খুবই আমাদের খারাপ লেগেছিল যে আমরা মানুষের সঙ্গে সারা দিন থাকি তা সত্ত্বেও আমরা মাইনাস হব কেন। কিন্তু এখন আবার আমি বারবার বলছি বিধান উপাধ্যায়কে যেভাবে আপনারা সব সময় পান 24 ঘন্টা সব সময় পাঁচ বিছায় বসে থাকে, কোনো পার্টি যে বিচার করে না, সব পার্টি দেখবেন সাইন করে সবাইকে সমানভাবে দেখে, তাই আপনারা বিধান উপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতে আমাদের যদি কারো রাজনৈতিক দলাদলীয় থাকে তাকে আমাদের সহ্য না হয় সেগুলো ভুলে ইলেকশনটা কিন্তু বিধান উপাধ্যায়ের ইলেকশন, ইলেকশনটা কিন্তু MLA ইলেকশন, ইলেকশনটা কিন্তু দিদিকে সরকারে রাখার ইলেকশন। তাই আপনাদেরকে আবার বলছি যেভাবে পশ্চিমবঙ্গকে বারবার মোদী সরকার বঞ্চনা করছে, বিশেষ করে বাঙালিদেরকে বঞ্চনা করছে হচ্ছে চারিদিকে। আপনি দেখবেন বিহারের পূর্ণিয়াতে BJP এবং নীতিশ সরকার ছিল, সেখানে দুর্গাপূজা করতে দেওয়া হয়নি এবং পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপূজা বন্ধের জন্য CPM BJP একসাথে কোটে গেছিল। তাই এবং তাই আপনাদেরকে বলছি এরা কিন্তু ধর্ম দেখে না, এরা কিন্তু কোনো জাত দেখে না, এরা যে पांडेश्वर विधानसभा के बहुला ग्राम पंचायत स्थित फुटबॉल मैदान में तृणमूल कांग्रेस की ओर से धिक्कार सभा का आयोजन किया गया। इस धिक्कार सभा को संबोधित करते जितेंद्र कुमार तिवारी ने कहा ECL के जगह में जो लोग 20 से लेकर 50 सालों से रह रहा है उसे राज्य सरकार की ओर से पट्टा दे दिया जाएगा। आप लोग जो जहाँ हैं वहाँ के ग्राम पंचायत में आवेदन करें, 20 दिनों के अंदर उसको वहाँ के ज़मीन का पट्टा देने का व्यवस्था किया जाएगा। ECL किसी को भी नहीं भगा सकता है, अगर भगाने की कोशिश करता है तो पहले मेरे लाश के ऊपर से गुजरना होगा, तभी किसी को डरा धमका कर भगाया जा सकता है। सभा की हरे राम सिंह, मदन बावरी और करीटी मुखर्जी आदि ने संबोधित किया।
इस अवसर पर आसनसोल के सायंतन मुखर्जी, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर हरिराम सिंह, युवा तृणमूल कांग्रेस के जिला महासचिव प्रेम पाल सिंह, पांडेश्वर ब्लॉक युवा तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष संजय यादव, जिला परिषद सदस्य ज्योति कुमारी ग्वाला, वीर बहादुर सिंह, सपन मंडल, किशोर सिंह, गोपीनाथ नाग, नीलेश कुंडू, प्रहलाद साव, रामचरित पासवान तथा अन्य नेता व समर्थक मौजूद रहे। आगामी 15 तारीख थी के हर आदमी अपना अपना प्रधान के पास जाके, पंचायत मेंबर के पास जाके एक तो सर्टिफिकेट लीजिए। वो सर्टिफिकेट में पंचायत प्रधान हो, उप प्रधान हो, तारा लिखे देवे जे आमी जानी एही व्यक्ति 20-25 बछर धरे एही जमीते बसबास करे आसछे, एही लिखे देवे। एवं ओई कागज जोगाड़ करार पर 15 तारीख थी के 30 तारीख अब्दि ओई सर्टिफिकेट नेबेन। 1 তারিখ থেকে আমরা আমাদের বিধায়ক কার্যালয়ে সে কাগজগুলো জমা নেব এবং তার 15 দিনের মধ্যে আমরা মেমোরেন্ডাম রেডি করে সবাইকে, যারা যারা অ্যাপ্লাই করবেন সবাইকে ডিএম সাহেবের সঙ্গে কথা বলে, রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলে আমরা ইসিএল এর উপর প্রেসার দেব যারা এই জমির উপর বসবাস করছে, যেহেতু 12 বছর বা তার বেশি সময় ধরে বসবাস করছে, এই জমির মালিকানা তাদেরকে দিতে হবে এই লড়াই। उसके बाद आज के मीटिंग की समाप्ति की घोषणा करेंगे। तब तक थोड़ा आप लोग स्लोगन लगाएंगे, खड़ा होकर थोड़ा जोर से स्लोगन लगाइए, वंदे मातरम, ममता बनर्जी जी तृणमूल कांग्रेस जी पांडवेश्वर मानुषेर जमीन लड़ाई जुन तृणमूल कांग्रेस लड़छे পাণ্ডবেশ্বরের মানুষের জমি লড়াইয়ের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস লড়বে অবিলম্বে। ইসিএল এর জমিতে বসবাসকারী মানুষদেরকে জমির মালিকানা দিতে হবে, ইসিএল এর জমিতে বসবাসকারী মানুষদেরকে অবিলম্বে জমির মালিকানা দিতে হবে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। सीआईएसएफ कुनस्तोरिया काजोड़ा एरिया सिक्योरिटी तथा अंडाल पुलिस के संयुक्त सहयोग से शनिवार की संध्या सरसों डंगाल से अवैध कोयला भरा ट्रक पकड़ा। पकड़े गए ट्रक को अंडाल थाना पुलिस को सौंप दिया गया। इस संबंध में सीआईएसएफ कुनस्तोरिया कैंप के प्रभारी दीपक बहमनी ने बताया कि सरसों डंगाल में गुप्त सूचना के आधार पर सीआईएसएफ काजोड़ा एरिया सिक्योरिटी और अंडाल पुलिस के साथ पहुंची तो हमारी टीम को देखकर कोयला चोर भाग गए। वहां अवैध कोयला से भरा ट्रक को छोड़ दिया। उसके बाद ट्रक को कब्जे में लेकर अंडाल पुलिस के हवाले कर दिया गया। कोयला बोझाई ट्रक में 20 टन के लगभग कोयला भरा हुआ पाया गया। फांसीवाद विरोधी जनमंच ने पुरुलिया के हुड़ा ब्लॉक के लालपुर जूनियर हाई स्कूल से सटे मैदान में शनिवार को एक जनसभा आयोजित कर भाजपा को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया। शनिवार को लालपुर के मैदान में बोलते हुए राज्य के तकनीकी मंत्री पुर्नेंदु बसु ने कहा, जंगल महल के लोगों को यह तय करना चाहिए कि वे पराधीनता चाहते हैं या स्वतंत्रता। जनता ने पिछले चुनाव में भाजपा को जिताया है, इसलिए भाजपा की पूंछ मोटी हो गई है। उन्हें लगता है कि लोग इस साल भी उन्हें चुनाव में जिताएंगे। मौके पर राज्य के अग्रसर श्रेणी कल्याण मंत्री संध्या रानी टूडू, समाजसेवी देवव्रत गोस्वामी, हुड़ा पंचायत समिति के अध्यक्ष प्रोसेनजीत महतो, पूर्त कर्माध्यक्ष अंबुज मंडल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। भारत के भारत स्काउट्स एंड गाइड्स संगठन और द रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से किसी एक दिन में एकत्रित अधिकतम यूनिट रक्त का विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने का उपक्रम किया है। एक दिन में एकत्रित 1,00,000 से अधिक यूनिट के विश्व रिकॉर्ड को चुनौती दी जाएगी। इस मील के पत्थर को पार करने और इतिहास रचने के लिए 7 नवंबर 2020 को पूरे भारत में एक व्यापक रक्तदान अभियान चलाया जा रहा है। इसलिए इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 70वें स्थापना दिवस पर शनिवार को रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल के सहयोग से पूर्व रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स आसनसोल जिला द्वारा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पार्क हॉस्पिटल कॉलोनी बेथ रोड आसनसोल में 100 दानदाताओं के साथ एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्री एमके मीणा, अपर मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल, ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। डॉक्टर सुमंत विश्वास, वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी
आसनसोल मंडल रेलवे अस्पताल। गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधिगण भी मौजूद थे। इस रक्तदान शिविर में लगभग 101 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। डॉक्टर रजनीश सिन्हा, सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी आसनसोल, अन्य डॉक्टर और मंडल रेल अस्पताल के बहुत सारे पैरामेडिकल कर्मचारी और अन्य रेल कर्मीगण इस अवसर पर उपस्थित थे। आत्महत्या से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। मानसिक विकार और सुसाइड। मानसिक विकार आत्महत्या के कारण के मैट्रिक्स में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। अधिकांश अध्ययनों में कहा गया है कि आत्महत्या से मरने वालों में से लगभग 90% को मानसिक विकृति होती है। विशेष रूप से आत्महत्या से मरने वाले लोगों के मनोरोग निदान का अध्ययन करने वाली प्रकाशित रिपोर्टों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही है। इस तरह की रिपोर्टों का बहुमत 82.2% विकासशील देशों से केवल 1.3% के साथ यूरोप और उत्तरी अमेरिका से आता है। चेन्नई में मनोवैज्ञानिक शव परीक्षण तकनीक का उपयोग कर नियंत्रण मामले का अध्ययन किया गया है और भारत में बेंगलोर में। आत्महत्या से मरने वालों में चेन्नई में 88% और बेंगलोर में 43% लोगों में एक निदान मानसिक विकार था। हालांकि बेंगलोर के अध्ययन में नैदानिक मूल्यांकन नहीं किया गया था। अनगिनत विशेषज्ञों ने पाया है कि आत्महत्या से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण निदान है स्नेही संबंधी विकार। चेन्नई में 25% पूर्ण आत्महत्या मूड विकारों के कारण पाई गई। हालांकि आत्महत्या की दर 35% तक बढ़ गई जब उदास मनोदशा के साथ समायोजन विकार के साथ आत्महत्या के मामलों को भी गिना गया। आत्महत्या में अवसाद की महत्वपूर्ण और कारण भूमिका की भारत में सीमित वैधता है। यहाँ तक कि जो लोग उदास थे वे थोड़े समय के लिए उदास थे और उनमें केवल हल्के से मध्यम लक्षण विज्ञान थे। अधिकांश मामलों ने अवसाद के अपने पहले एपिसोड के दौरान आत्महत्या कर ली और 60% से अधिक अवसादग्रस्त आत्महत्याओं में केवल मामूली के माध्यम से अवसाद था। हालांकि भारत में सोशल ड्रिंकिंग जीवन का एक तरीका नहीं है, लेकिन भारत में शराबबंदी आत्महत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 35% आत्महत्याओं में शराब पर निर्भरता और दुरुपयोग पाया गया। आत्महत्या के समय लगभग 30-50% पुरुष आत्महत्या शराब के प्रभाव में थे और कई पत्नियों को उनकी शराबी पति द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया है। न केवल बड़ी संख्या में शराबी आत्महत्याएं कर रहे थे बल्कि कई शराबी परिवारों से भी आए थे और जीवन की शुरुआत में शराब का सेवन शुरू कर दिया था और बहुत अधिक निर्भर थे। शराबबंदी के लिए बाधाओं का अनुपात 8.25 था, बेंगलोर में 4.49। भारत में 8% आत्महत्याएं इसकी जेनेरिया से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा की जाती हैं। श्रीनिवासन और थारा ने पाया कि स्किजोफ्रेनिक आत्महत्या के लिए पुरुष अनुपात कम या ज़्यादा है। हालांकि चेन्नई अध्ययन में आत्महत्या के 88% मामलों में नैदानिक मानसिक विकार पाए गए थे, केवल 10% ने सभी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर देखा था। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देश में केवल 4.74% आत्महत्याएँ मानसिक विकारों के कारण होती है। आत्महत्या के 20% मामलों में व्यक्तिगत विकार पाया गया। आत्महत्या के 12% मामलों में क्लस्टर बी व्यक्तित्व विकार पाया गया। आत्महत्या के 30% मामलों में कोमोर्बिड निदान पाया गया था। पिछले आत्महत्या के प्रयासों का इतिहास बाद में आत्महत्या के जोखिम को बढ़ाता है। पिछले आत्महत्या के प्रयासों के लिए चेन्नई में 5.2 और बेंगलोर में 42.6 दौर थे। बेंगलोर अध्ययन में पूर्ण आत्महत्याओं के परिवार के इतिहास में आत्महत्या के जोखिम का अधिक जोखिम दिखाया गया है, जो आत्महत्या के प्रयास के आत्महत्या के जोखिम के मुकाबले की तुलना में आत्महत्या का प्रयास है। चेन्नई अध्ययन में 12% में आत्महत्या का पारिवारिक इतिहास पहले रिश्तेदारों में और 18% दूसरी डिग्री रिश्तेदारों में संभावना परीक्षण था। आठ नवंबर रविवार को लगभग 10:30 आसनसोल सभागार आसनसोल नगर निगम जीटी रोड में हिंदी अकादमी की ओर से काव्य संग्रहों का लोकार्पण एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया है, जहां मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड के चेयरमैन श्री जितेंद्र कुमार तिवारी। इसके अलावा वहाँ उपस्थित रहेंगे दिनेश कुमार, अशोक आशीष, रोहित प्रसाद पाथिक, डॉक्टर अरुण होता इत्यादि।
अब अंत में प्रस्तुत है मैसेज ऑफ द मोमेंट। नोबडी कैन गो बैक एंड स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग, बट एनीवन कैन स्टार्ट टुडे एंड मेक अ न्यू एंडिंग।